नमस्कार दोस्तों, एक डीटीएच का कार्ड है और देखिए इसमें मैं सप्लाई चेक करके बताता हूँ। दो सौ चौदह वोल्ट आ रहा है। देखिए यहाँ भी आ रहा है 302। मेरा डीसी पावर सप्लाई सही है। अब मैं एसी चेक करके बताता हूँ। ये अर्थ हो गया और ये देखिए 5 वोल्ट है। पाँच वोल्ट है, 6 वोल्ट आ रहा है। देखिए ये भी आ रहा है। पैंतालीस वोल्ट बता रहा है। देखिए ये देखिए ये देखिए 25 वोल्ट बता रहा है। ये तो अर्थ हो गया। ये देखिए 6.7 वोल्ट बता रहा है। अब मैं इसको इस कार्ड में लगाता हूँ। देखते जाइए दोस्तों, कार्ड में लगाता हूँ। देखिए ऑन नहीं हुआ। और अब मैं इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ आपको। यहाँ अर्थ पे रखा, ये देखिए देखिए कैसे वोल्ट बता रहा है। देखिए ये बता रहा है, ये बता रहा है। देखिए 3 वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट हो गया, 15-17 वोल्ट की जगह पे। और ये देखिए आप लोगों ने देख लिया, सब वोल्टेज देख लिया ना। बात हो गाना उना जो चला है ना, टूट इसको सप्लाई से निकाल लेता हूँ और कंटिन्यूटी मोड पे चेक करता हूँ। फिल्टर वगैरह तो सही है लेकिन ये देखिए फिल्टर भी सही है। और ये देखिए यहाँ से जीनर है। कोई इस जीनर पे सड़क जा रहा है। ये जो जीनर है इसको मैं खोल के देखता हूँ। कहीं
इसकी वजह से तो नहीं शॉर्ट हो रहा है। देख तो उसके वजह से तो नहीं हुआ, लाइट नहीं आया। टिक 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 करता है दोस्तों, क्या आवाज है ये? क्या दोस्तों डायोड प्रॉब्लम है क्या? देखते हैं ये डायोड चेंज करके। दोस्तों डायोड भी बदल के मैंने देखा लेकिन कोई ऑप्शन नहीं हुआ और सॉल्व नहीं हुआ। अब मैं इसको, इसके कंडेंसर को निकाल के देखता हूँ। ये भी सही ही लग रहा है दोस्तों, लेकिन 1000 mA 16 volt है। नया ही लगा के देखता हूँ।
मैंने ये कंडेंसर भी बदल दिया, चेक कर लिया, फिर भी इसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ये डायोड भी चेंज कर दिया, फिर भी वोल्टेज अप डाउन ही हो रहा है। लेकिन जब मैंने इसको पलट के देखा, देखिए दोस्तों, ये रेजिस्टेंस जो है ये जंक खा गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए, तो हम अब पहले इस रेजिस्टेंस को बदलेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं पहले हम, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये रेजिस्टेंस से लगता है प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, वोल्टेज रेगुलेट नहीं हो रहा है दोस्तों। देखिए रेजिस्टेंस दोस्तों, ये 560 ओम का रेजिस्टेंस मैंने ले लिया, 560 ओम है। ये है हरा, ब्लू और कत्थई कलर का, और इसको हम लगा देंगे। और लगा के सोल्डिंग कर देंगे। दोस्तों मैंने इसका कंडेंसर भी लगा दिया पुराना वाला, ये डायोड भी लगा दिया और ये जीनर डायोड भी लगा दिया, मात्र एक रेजिस्टेंस के चलते, 560 के रेजिस्टेंस के चलते इतना बड़ा बीमारी था। क्योंकि ये रेजिस्टेंस के द्वारा इसको फीडबैक सही तरीके से नहीं मिलता था, जिसके चलते वोल्टेज आ जाता था, लेकिन कार्ड में लगाने के बाद, सप्लाई जोड़ने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाता था। तो मैंने इसका कंडेंसर भी चेक किया, डायोड भी चेक किया, ये जीनर डायोड भी चेक किया, सब किया, कंडेंसर भी बदल के देखा, डायोड भी बदल के देखा, तो फिर यहाँ देखा कि यहाँ जला हुआ राख हो गया था, टूट गया था ये रेजिस्टेंस, जिसके चलते मेरा ये फॉल्ट हो गया था दोस्तों। तो देखिए अब मैं इसको बना दिया हूँ, अब ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग परेशान मत होइए, सबसे पहले इसको फिजिकली देखा कीजिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो इधर भी चेक किया, यहाँ भी चेक किया, आईसी भी चेक किया, सब फीडबैक भी यहाँ चेक किया, पूरा सब टोटल सामान्य था। लेकिन जब मैं वोल्टेज भी निकल रहा था, जब मैं कार्ड में जब इसमें जब सप्लाई देता था, देते थे तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता था। तो ऐसे देता हूँ लाइट, आप लोग देखिए, तो इसी तरीका के वीडियो देखने के लिए मेरा ये ओरिजिनल वीडियो रहता है, मैं ओरिजिनल तरीके से बनाता हूँ और सब कुछ बताता हूँ आपको। मेरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।
तभी तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आप लोग को अच्छा अच्छा वीडियो बना के दूंगा। और रियली जो फॉल्ट होता है, जो सिम्टम होता है, वो सब मैं बताता हूँ, करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। बीच बीच में ग्राहक आ जाने के कारण मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ता है दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेले काम करता हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।